क्रिएशन देवरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग के लिए इस बार एक बैनर, तीन मॉडल यानी कि वन वीडियो, थ्री आइडियाज, एक बैनर बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को एक ही बैनर से तीन मॉडल में बनाकर दिखाया जाएगा। और यह बैनर शुभ छठ के ऊपर बनाया जा रहा है, माँ छठ पर पूजा की हार्दिक शुभकामना देने के लिए। आप पर्सनल बैनर बनाएं या दो चार लोगों का फोटो लगा करके बनाएं, यह वीडियो और यह बैनर इसी पर बनाया गया है कि किसी बैनर को एक बैनर से दो तीन मॉडल में कैसे बनाया जाता है। या आप लोग देखे भी होंगे कि लोग सोचते हैं, यार यही बैनर तो छोटा में था, यही बैनर उस मॉडल में था, लेकिन दूसरे मॉडल में कैसे हो गया है। या खुद को जब बनाना रहता है नए आदमी को, तो सोचना पड़ता है कि इसका रूप दूसरे तरह किस तरह दिया जाए। तो मैं वही आप लोग को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग एक ही बैनर को दो तीन मॉडल में कैसे बनाएं, वो भी हार्दिक शुभकामनाएं की बैनर है। और आप लोग देखते रहें, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बनाया गया है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये देखिए, पावर क्लिप का प्रयोग किया जा रहा है, फ्लैश इनसाइड। और इसके बाद इस बॉर्डर को भी कर देते हैं पावर क्लिप फ्लैश इनसाइड, देख ही रहे हैं मेनू से लाकर किया गया है। इसी तरह अगले किसी भी फोटो, किसी भी क्लिप आर्ट को यदि किसी बॉक्स में या सेफ के अंदर डालना रहता है, तो पावर क्लिप का ही प्रयोग किया जाता है, फ्लैश इनसाइड का ही, जिससे आप लोग देख सकते हैं। और यह कोरल ड्रा 2020 है। आप लोग के सामने जो आइडिया दिया जा रहा है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यह बहुत बेस्ट बैनर बनाया जा रहा है। इस बैनर को आप लोग अपना एक आइडिया मान करके चलिए कि आप लोग इस तरह बना सकते हैं, इससे बेहतर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट में ही बनाया है। लेकिन एक बैनर और तीन मॉडल में बनाया है इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और इस बैनर को देखते रहिए कि किस तरह बना है और कितना बेहतर है। आप लोग चाहें तो इससे भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों नहीं छठ पर्व के शुभ अवसर पर आप लोग को एक और डेमो दिखा दिया जाए कि किसी को हार्दिक शुभकामना देना रहता है तो उसके लिए बैनर कैसे बनाए, वो भी कोरल ड्रा में। तो आप लोग घबराए नहीं, वीडियो में बने रहें। यह वीडियो मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए मैंने कहा भी है कि हर अवसर पर वीडियो हर तरह के लेकर के आता रहूँगा। इस वीडियो को देख करके आप लोग यह सीख सकते हैं कि कम समय में या किस तरह नया बैनर बनाया जाए। तो एक नए बैनर को बनाने के लिए सोचने और समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे बेहतर है कि आप लोगों को एक ही साथ तीन आइडियाज़ मिल गया है, जिसमें एक बैनर और तीन मॉडल में बना करके दिखाया जा रहा है। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें और पूरी वीडियो को देखें। देखिए, कलर किया जा रहा है बैकग्राउंड को, अभी तक तो केवल क्लिप आर्ट डाल के छोड़ दिया गया है। तो इसमें
कलर किया जा रहा है, ग्रेडियंट कलर का प्रयोग है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से कलर चूज करिए, मैंने अपने हिसाब से ले लिया। आप लोग यहाँ से क्लिक करके अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। अब ये छोटा आ गया, इसको और बढ़ा लीजिए, इसका हाइट बढ़ाइए, चारों तरफ बढ़ जाएगा। देखिए चारों तरफ और कलर बढ़ गया। अब इस कलर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप कलर बदल सकते हैं। मुझे इस छठ पूजा के अवसर पर यही कलर और यही सब मॉडल बेहतरीन लगा है। इसको चाहें तो आप लोग हल्का या डार्क कर भी सकते हैं, हम हल्का कर दे रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। और इसी तरह एक से एक बैनर पाएंगे और देखेंगे कि बैनर बनाने में कितनी समय आप लोग को लगता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का समय आधे समय में कोई भी आप बैनर बना सकते हैं। जितना समय लगाते हैं उससे बहुत कम समय में आप नया बैनर, ये देख लीजिए, ये राउंड किया जाता है, तो इसको राउंड नहीं, ऐसे ही मैंने आप लोग के सामने बना ही दिया है, इनवलप के द्वारा बनाया गया है। अब इसके बाद आप लोग इस बैनर को देखिए, लगभग ये बैनर आप लोग के सामने तैयार है, एक बैनर एक मॉडल। अब आप लोग देख सकते हैं कि महा छठ पर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना वाली ये बैनर कितनी अच्छी लग रही है। और आप लोग यह भी देख लें एक आइडिया कि इस तरह आप लोग कितने फास्ट में बना भी सकते हैं। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना। इसको भी आप लोग दो कलर चाहें ग्रेडियंट दे सकते हैं, मन करे नॉर्मली इसको ड्रैप शेडो न देते हुए हम ऐसे ही डुप्लीकेट करके शेडो का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बैनर तैयार हो गया, एक आइडिया आप लोग के सामने हम पेश कर दिए। और ये आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट करिएगा, और इससे भी बेहतर बनाने के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। मैं सिर्फ आप लोग को एक आइडिया पेश किया हूँ, जिससे आप लोग को जानकारी मिल सके कि किन किन टूलों से या किन किन तरह तरीक़ों से बैनर अच्छा बनता है। ये देख लिए कि आप लोग को कितना बेहतर पसंद है या कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं दूसरा आप लोग को बनाकर दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। एक बैनर तो ये हो गया, चलते हैं दूसरे पेज पर। ये दूसरा बैनर आप लोग को बना करके दिखाते हैं इसी में, और आप लोग इस बैनर पर अपना राय कमेंट जरूर दीजिएगा कि पहला बैनर कैसा था, दूसरा बैनर कैसा था। आप लोग के सामने मैं ये शेप ले रहा हूँ, शेप का कोई निश्चित नहीं है कि कितने बाई कितने में रहेगा, आप लोग अपने अनुसार भी साइज ले सकते हैं। मैं केवल डेमो के लिए बनाया हूँ आप लोग के सामने, तो आप लोग इस डेमो से अगर आइडियाज मिल रहा है तो इसको देखना ना भूलें, क्योंकि आप लोग अपने मन से बनाएंगे तो समय तो कुछ ज़्यादा लगेगा, वही नए क्रिएटरों के लिए ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है। तो आप लोग अगर नए हों तो कृपया इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि आप लोग को बैनर हर कोई नहीं बना के दिखाता है, वो भी बेहतरीन में। मैं तो आप लोग को केवल दिखाता ही नहीं हूँ, बल्कि आप लोग को आवश्यकता अनुसार बैनर का CDR या टिफ PSD फाइल भी मैं दे देता हूँ। और आप लोग इस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। अगर आप लोग को बहुत बेहद पसंद आएगा ये बैनर, तीन मॉडल है, तीन मॉडल में कोई भी मॉडल आप लोग को पसंद आए तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल आप लोग को एक आइडिया दिया हूँ। देखिए पावर क्लिप एक ही साथ कर दिया हूँ और शार्ट की से मैं किया हूँ। आप लोग को पहले इससे पहले इसी वीडियो में पावर क्लिप ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप प्लेस इनसाइड भी दिखाया हूँ, और यहाँ मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दिया हूँ। शार्ट की से तो मैं आप लोग को दिखाया नहीं हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं एडजस्ट कि किस तरह किया जा रहा है बैकग्राउंड या कलर का। तो किसी भी बैनर को नए तरीके से या दो तीन तरह
से जब भी बनाते हैं या बनाए जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसको उस बैनर को उस आइडिया के लिए कलर की कौन सा रहेगा, कौन सा कहाँ क्लिप आर्ट कहाँ बैठेगा, इसके लिए समय देना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो इस वीडियो में वो चीज़ आप लोग को दूर हो जाएगा दिमाग से और आप लोग फास्ट काम कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। इसको कंट्रोल और राइट क्लिक करने से दूसरा शेप देखिए तैयार हो जा रहा है। एक बार कंट्रोल दावे और राइट क्लिक इधर ड्रैग करके राइट क्लिक कर दें तो दूसरा बन जाता है। देखिए इसको प्लस प्लस करने से और डार्क हो गया है। हम देखते हैं कि ये बैनर डबल मतलब कलर में है तो देखते हैं कि डार्क अच्छा लगेगा कि हल्का। अब हम डार्क करके इसमें लगाते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हर बैकग्राउंड के नीचे डबल कलर है तो हम उसको हटा देंगे, अगर बेहतरीन लगेगा तो ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बीच में बहुत राउंडिंग आ रहा है, जगह महसूस भी हो रहा है कि जोड़ा गया है। तो हम इसको एक एक को हटा देते हैं, हल्का करके देखते हैं कि कितना बेहतरीन आएगा। और इसको देखिए फिर हट गया और कितना अब हल्का में आप लोग के लिए कितना बेहतर है, आप लग रहा है कि हाँ बैकग्राउंड ओरिजिनल है और सही बैकग्राउंड है। आप सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को महा छठ पर्व या पूजा की हार्दिक शुभकामना। आप लोग ये दूसरा आइडिया देख सकते हैं कि ये बैनर मेरा बनकर तैयार होने जा रहा है और यह बैनर आप लोग के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। आप लोग इस बैनर के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिली कि कोरल ड्रा में महा छठ पर्व पूजा की हार्दिक शुभकामना अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। ये 2022-23 का मैं अपना लेटेस्ट बैनर बना रहा हूँ आप लोग के लिए डेमो, कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि छठ पर्व के शुभ अवसर पर कैसे एक नया बैनर तैयार करें। हाँ फिर एक बार और बता दूँ, यह वीडियो मैं केवल डेमो बना रहा हूँ, न कि इसका CDR फाइल या PSD फाइल नहीं दे रहा हूँ इसमें। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग से फिर मैं कहूँगा कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ये बैनर आप लोग को फ्री में CDR फाइल दी जाएगी। जो भी बैनर इसमें से तीन मॉडल है, तीनों मॉडल में से जो मॉडल आप लोग को पसंद आए तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, आप लोग को यह बैनर फ्री में दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि इस वीडियो में वो आइडिया है जिस आइडिया से आप लोग अपने ग्राहक को कुछ ही समय में संतुष्ट कर देंगे बना करके। और मैं बता दूं कि सिर्फ में मतलब किसी अस्थाई साइज में नहीं है, फिर भी ये बैनर 10x4 और 10x6 में आप लोग 10x5 में बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा। कहीं भी लगेगा तो छठ घाट पे लगाइए, रोड पर लगाइए, किसी भी जगह लगाइए। तो उसके लिए है ये, मोबाइल के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मोबाइल स्टेटस के लिए नहीं है, बाकी फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी शेयर आप पेज पर कर सकते हैं तो भी वहाँ भी अच्छा दिखेगा। अब इसका हार्दिक शुभकामना का कलर ग्रेडियंट करके आप लोग देख लीजिए कि एक बार ये ग्रेडियंट कैसा लग रहा है। ये आप लोग के सामने ड्रैग करके बढ़ाया जा रहा है, यहाँ क्लिक करके कलर बदल देते हैं। आप लोग अपने अनुसार कलर बदल कर देखिए कि कौन सा कलर कहाँ बेहतरीन लग रहा है। लेकिन मैं इसमें ये भी कहूँगा कि कहीं भी अधिकतर नॉर्मली बैनर जब भी बनाया जाता है तो पीछे का कलर के हिसाब से विपरीत कलर दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली बैनर में हर किसी को ये चाहिए कि किसी तरह बस अक्षर तड़कता भड़कता नजर आए, क्योंकि बिना अगर लाइट का कोई अक्षर दिख रहा है तो ग्राहक कहता है कि नहीं ये अक्षर इसी में छिप गया है या क्लिप आर्ट इसी में छिप गया है, तो उस ग्राहक को वो चीज़ पसंद नहीं आता है। तो इसलिए नॉर्मली और छोटे शहरों का बैनर या सोशल मीडिया का ना काम करते हुए अगर बैनर होर्डिंग बनाते हैं तो उसमें कलर बैकग्राउंड के कलर से विपरीत दिया जाता है ताकि
वो ज़्यादा अच्छा और दूरी से उभारा और साफ नज़र आए। तो आप लोग को ये दूसरा बैनर तैयार हो गया है, आप लोग देख रहे हैं। इस बैनर में समय भी नहीं लगा और ये बैनर आप लोग के सामने कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को मिस ना करें। फिर मैं कहूँगा कि आप लोग लाइक एवं कमेंट करते रहें। जेबी क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग किसी तरह लगे रहें, मैं आप लोग के लिए एक से एक नए वीडियो और आइडियाज लेकर के आता रहूँगा। अब ये बैनर तीसरा वाला मैं आप लोग को ये बना करके दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें पर्सनल ना होते हुए एक साथ तीन चार लोगों का फोटो लगा करके कैसे बनाया जाए। ये वह बैनर है। इस बैनर का साइज आप लोग कर सकते हैं 10x6 का। मैं एक उसी अनुपात के रेशियो से बना करके दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक साथ पांच फोटो लगा करके, जैसे मान लीजिए अपने ग्रुप में कुछ दोस्त साथी रहते हैं जिनके लिए होता है कि नहीं मेरा बैनर अकेले नहीं रहेगा, साथियों के साथ रहेगा, पांच लोगों के साथ रहेगा। तो पांच लोगों के साथ वाला बैनर आइडियाज को मैं आप लोग के सामने बना कर दिखा रहा हूँ। हाँ, आप लोग ध्यान से देखते रहें कि जहाँ भी क्लिक किया जा रहा है कौन सा चीज़ है, कैसे कलर को बदला जा रहा है। ये नहीं कि केवल बातों पर ध्यान दे और कलर पे ध्यान दे, बाकी का ना कि कहाँ से कहाँ ड्रैग किया गया है या कहाँ से कलर चूज किया गया है, आप लोग ये देखना ना भूले। मैं आप लोग को फास्ट में बना भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। केवल एक माध्यम आइडियाज का है कि आइडिया कैसे लगाएं कि नए बैनर या दूसरे तीसरे तरह का एक ही बैनर को दूसरा रूप देना हो तो कैसे देंगे, क्योंकि अधिकतर ग्राहक का देते हैं कि नहीं यार ये तो मुझे पसंद नहीं है, इसका दूसरा मॉडल या दूसरा रूप बना करके दिखाओ। तो उस समय फिर सोचना पड़ता है यार सबसे बेहतर तो यही बैनर था तो आप दूसरा क्यों बनवा रहे हैं। फिर भी ग्राहक को ये होता है कि नहीं आप एक दूसरा बना कर दिखाइए, अगर वो पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो पहला वाला ही चूज कर दिया जाएगा। तो इस भी सिचुएशन में, इस भी परिस्थिति में बैनर किसी भी नए क्रिएटर या पुराने हो तो उनका डेमो बनाकर दिखाना मजबूरी रहता है कि मेरा ग्राहक कहीं और चला ना जाए, जिसके वजह से एक या दो बैनर दूसरा बना करके अधिकतर दिखाना पड़ता है डेमो के लिए कि नहीं देखिए ये आपको मैं दूसरा डेमो दिया हूँ, आप लोग को बेहद पसंद आना चाहिए। तो ग्राहक उस पे हाँ भरता है, नहीं तो पहला बैनर बना रहता है तो उसी को कह देता है कि यही बैनर मेरे लिए बेहतर है। तो वही आइडिया मैं आप लोग को पेश किया हूँ कि जिससे आप लोग को ये दिक्कत महसूस ना हो कि यार अगर उसी बैनर को दूसरा रूप देना हो तो कैसे दें, कितना समय लगेगा, क्या मॉडल बनाएं। तो बिन समय अधिक लगाए और बिन झिझक के आप लोग नए मॉडल नए तरीका से बैनर बना सकते हैं। केवल आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइक एवं कमेंट करते रहें, क्योंकि आप लोग के सहारे और आप लोग के लाइक कमेंट और व्यू के सहारे ये वीडियो बन रहा है, चल रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मुझे 5-10 लोगों से, ये नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे यकीन है कि सबको एक नया आइडियाज और एक नया हेल्प मिल रहा है जिससे 10 ही लोगों को सहायता हो। मगर मुझे विश्वास है कि सहायता तो ज़रूर मिल रही होगी। तो इससे मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग वीडियो देखते रहें। ये बॉर्डर मैं इसमें दूसरा मैं देख करके देख रहा हूँ कि इसमें बॉर्डर पिछले में दूसरा था और इसमें दूसरा बॉर्डर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि कलर कैसे फिल किया जा रहा है और एक दूसरे मॉडल का बॉर्डर इसमें कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि बॉर्डर तो पहले दिया गया था फ्लावर का। अब हम सोच रहे हैं कि एक अलग से बॉर्डर बनाया जाए जो कुछ यूनिक लगे लगे कि इसमें या इस बैनर में मेहनत किया गया है, जिससे ग्राहक भी देखता है कि चलो यार इस क्रिएटर ने, इस ग्राफिक डिजाइनर ने मेहनत तो किया है।
अगर मेहनत किया है, अगर वो ध्यान देगा या उसे अच्छा लगेगा कि नहीं आइडिया पेश किया है दूसरा, तो बेहद पसंद आएगा तो डन कर देगा, नहीं तो पहले वाला वीडियो में जो पहला बैनर बना है तो उसी को उसको अच्छा लगेगा तो वही वो डन कर देगा। लेकिन अपना मेहनत करना ना भूलें, हमेशा एक नए मॉडल नए आइडियाज़ का अपने दिमाग में ढूंढते रहें कि बैनर कैसे बनाए। देखिए दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी बैनर आप लोग के सामने बन के लगभग रेडी होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर यही कहूँगा कि आप लोग यदि नए हों तो वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि आप लोग को इससे बेहतरीन कहीं और मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इससे बेहतरीन कोई आपको CDR फाइल या PhD फाइल फ्री में नहीं दे सकता है। तो आप लोग देखते रहें वीडियो को और फाइल डाउनलोड करते रहें, और इसी तरह वीडियो को शेयर भी कृपया आप लोग करें। शेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन कम से कम शेयर और लाइक करें, ताकि मेरे हौसले आप लोग के साथ साथ भी बढ़े कि मैंने मेहनत किया है और लोगों तक के अच्छा संदेशा मैं दे पा रहा हूँ कि कहीं तो किसी को हेल्प यानी सहायता मिल रहा है मेरे वीडियो से, तो मुझे भी हौसला होगा कि चलो किसी को तो फायदा है मेरे बनाने से। कि कोई ये कहे कि मैं ज़्यादा समय न लगा करके कम समय में कहीं भी किसी भी आइडियाज़ में एक बैनर बना लिया हूँ किसी के माध्यम से, तो इस बैनर में आप लोग को मैं फिर यही कहूँगा कि नए क्रिएटर क्रिएटर नए आइडियाज नए बैनर बनाने के लिए या बनने के लिए क्रिएटर समय लगता है। एक बार में एक वीडियो से या किसी के एक वीडियो से हम डिजाइनर नहीं बन सकते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा देखने के लिए, आप लोगों को समय देना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिकल भी दें और वीडियो को देखते भी रहें अलग अलग। मैं यही नहीं कहूँगा कि मैं हर तरह का बैनर एक अकेले बता दे रहा हूँ या बता दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर कोई अलग अलग आइडियाज में हर कोई अलग अलग तरीके से बना करके दिखाता रहता है। तो मैं भी आप लोग को दिखा रहा हूँ अपने माध्यम अपने आइडिया से, जो मुझे आइडिया पसंद आया तो मैंने सोचा कि इस छठ के शुभ अवसर पर क्यों नहीं एक वीडियो तीन मॉडल एक वीडियो के द्वारा तीन आइडियाज लोगों को कैसे दिया जाए, ताकि एक ही बैनर होगा और तीन मॉडल में, जिससे आप लोगों को ये संतुष्टि मिले कि एक ही चैनल पे नए नए तरह तरीकों का बैनर वीडियो देखने को मिलता है। और नए क्रिएटरों के लिए मैं फिर कहूँगा कि हेल्पफुल वीडियो होगा, आप लोग वाचिंग करना देखना लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो का भी इंटरटेनमेंट करते हुए आप लोग अपना कैरियर पर ध्यान दे करके आप लोग इस फाइल को चाहें तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करेंगे तभी आप लोग को फ्री में दिया जाएगा, बिना कमेंट का नहीं मालूम चलेगा। तो आप लोग लाइक एवं कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग लगे रहें साथ देते रहें।